सर ऐसा नहीं, इसका कंटिन्यूस आप 500 किलोमीटर तक चला सकते हैं आप। अच्छा। रॉयल एनफील्ड को। अच्छा हाँ, कितने किलोमीटर तक? 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर तक लगातार चला सकते हैं आप कंटिन्यूस, अगर आराम से चलाते हैं तो। ये नहीं कि अच्छा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि फास्ट ड्राइविंग और रफ ड्राइविंग, आई वांट टू से कि रेगुलर ड्राइविंग आप 500 किलोमीटर तक आप बुलेट से चल सकते हैं। हाँ, एक बार में। हाँ, ये 350 किलो सीसी वाली जो गाड़ी है उसमें, और जो 600 और कितनी सीसी की गाड़ी सर इसमें? हिमालयन आते हैं 411 सीसी, उसके बाद आपको आती है सर कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर 650 सीसी, और यही तो। कितने सीसी की गाड़ी इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है पटना? अभी पटना में क्लासिक सबसे ज़्यादा अधिक बिकता है, क्लासिक 350 सिंगल चैनल हो या डबल चैनल। तो ये है क्लासिक बुलेट सिंगल चैनल। व्हाट इज अ सिंगल चैनल और हाउ मेनी, हाँ क्या अंतर है चैनल्स का बताइए। आपका चेहरा उधर रहेगा कैमरे, सिर्फ रहेंगे आपको वही डबल डिस्क और सिंगल डिस्क का। जैसे ये सिंगल डिस्क हो गया। अच्छा। और डबल डिस्क आपको सामने वहाँ लगा हुआ है, ऑरेंज मतलब ब्रेक। हाँ, डिस्क ब्रेक। अच्छा, फ्रंट डिस्क ब्रेक ओनली। अच्छा। और वो जो ऑरेंज एम्बर कलर लगा हुआ है वो डबल डिस्क डबल चैनल। तो चैनल का मतलब ये हुआ कि एज कम्पेयर। अच्छा, कितने डिस्क लगे हुए, ब्रेक डिस्क कितने लगे हुए? और अच्छा, ये बुलेट में एक चीज है कि बुलेट में डिक्की नहीं होती है। हाँ सर, वो आप एडिशनल अलग से लगवा सकते, कंपनी डिक्की वेस्टी है सर ये होगी। अच्छा, फिर वो लगता है कि जैसे ऐसे सीरीज में आप ऐड करवाइएगा, जैसे लेग गार्ड भी अलग से ऐड करवाते हैं। लेकिन जनरली लोग बुलेट में डिक्की नहीं लगवाते। नहीं सर, जैसे डिपेंड करता है एज वाइज भी। अच्छा। जैसे यंग एज है तो फिर डिक्की यूज नहीं करना। जो यूथ है वो बुलेट में डिक्की नहीं लगवाते हैं, जो थोड़ा ओवर एज है, जो थोड़ा एज वाले जो मेच्योर लोग हैं उनको मालूम है कि डिक्की का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, लेग गार्ड जो है बुलेट में, लेग गार्ड वाज मुझे, मेरे फादर बोला करते थे कि बुलेट चलाना है तो लेग गार्ड जरूर लगाओ। अभी तो किसी बुलेट में मैं नहीं देख रहा कि लेग गार्ड। सर ये जो परचेज होंगी, जो भी परचेज करेंगे उसके बाद ऐड एसेसरीज में वो लेग गार्ड आता है, तो हम अभी लगा के नहीं रखे हुए। जो परचेज, जैसे आप परचेज कीजिएगा तो लेग गार्ड जिस टाइप का भी आप लगवाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे उसमें। अच्छा, तो ये मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि जो बुलेट जो लोग लेते हैं, यूथ जो लेते हैं, खासकर यंग, क्योंकि बुलेट लेते ही आप यंग फील करने लगते हैं। बुलेट पे जैसे ही आप चढ़ेंगे सीटिंग कंफर्ट इसका यंग सर, यू आर अ यंग मैन, जवान हो गए हैं। हैं, बुलेट की ये खासियत है। और मैं ये जानना चाहता था कि जो जवान लोग बुलेट लेते हैं, जो यूथ बुलेट लेते हैं, वो लेग गार्ड्स लगवाते हैं? लगवाते हैं सिंगल रॉड। अच्छा। लेग गार्ड मतलब सिर्फ स्ट्रेट रॉड आता है। अच्छा। वो लगवाना पसंद करें अभी यूथ। तो अब हमको आप दिखाइए कौन कौन सा मॉडल है, क्या है। ये है क्लासिक, ये हो गया क्लासिक चेस्टनट रेड। अच्छा, सिंगल चैनल। सिंगल चैनल, हाँ, क्लासिक चेस्टनट रेड। इसकी कीमत कितनी पड़ जाती है? ऑन रोड सर्विस एक्सटेंडेड वारंटी है ना, आरएस 197 सर, यानी करीब करीब 2 लाख की गाड़ी है। 3,000 रुपए कम 2 लाख। हाँ, मगर इसका इसके इसके कलर्स में भी रेट्स का फर्क पड़ जाता है क्या? नो सर, सिंगल चैनल जो भी सिंगल डिस्क ब्रेक आती है फ्रंट में, उसका सेम सभी का प्राइसिंग सेम है। आपको इसमें आ जाएंगे सर मर्करी सिल्वर, रेडिच रेड, प्योर ब्लैक, चेस्टनट और एश कलर। एश मतलब व्हाइट कलर रहता है वो। अच्छा। वो हो गया सर। तो ये 4-5 कलर्स हाँ इसमें। और ये जो स्टैंडर्ड बुलेट है ये कितने कलर्स में आने की है? ये सबसे लोएस्ट हो गया 153, और एक और वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड का जिसमें आपको गोल्ड मतलब सिल्वर प्लेटेड रहता है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसका 163 आ जाएगा। ये कलर ब्लैक ही आता है इसमें कि और भी कोई कलर? इसमें एक सिल्वर कलर और आता है सर, ब्लैक एंड सिल्वर। हाँ, तो इस स्टैंडर्ड बुलेट में आपको 2 रंग मिलते हैं, काला और सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी का कलर। हाँ, सो 2 कलर मिलते हैं इसमें। और ये इसकी डिमांड मार्केट में कम है बिकॉज ये सिर्फ किक स्टार्ट है आपको। अच्छा, ये किक स्टार्ट है, दिस इज ओनली किक स्टार्ट, बट क्लासिक इज अ स्विच सेल्फ स्टार्ट। सो सेल्फ स्टार्ट की डिमांड काफी है। और ये है आपका मेट्योर। मेट्योर। अच्छा, मेट्योर ये अभी पिछले साल 6 नवंबर को लॉन्च हुआ है। अच्छा, ये देखिए 6 नवंबर को लॉन्च हुआ है, यानी अभी इसके लॉन्चिंग के लगभग 4 से 5 महीने हुए हैं। अच्छा, और डिमांड इसका इतना है कि आपका 3 मंथ वेटिंग चल रहा है। अच्छा, देखिए बुलेट घर से आप पैसे लेके निकलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि बुलेट पे आप चढ़ जाएंगे। आपको 3 महीने पहले
मेट्योर के लिए बुकिंग करवाना पड़ेगा। 3 महीने पहले आपको इसके लिए बुकिंग करवाना होगा, उसके बाद आपको बुलेट मिलेगा। सर और बताइए इसके बारे में। ये टोटल रिफाइंड इंजन जे शेप्ड इंजन इसमें आया है। अच्छा अच्छा। और बाकी इसमें आपको ये क्रूजर बाइक है, 350 cc इंजन। व्हाट इज अ क्रूजर बाइक, क्या होता है क्रूजर बाइक? आप जब टूर के लिए जाते हैं ना, क्रूजर बाइक इज बेस्ट। अच्छा, यानी दिल्ली से ले जाना है, पटना से दार्जिलिंग जाना है, क्रूजर बाइक लॉन्ग जर्नी के लिए आप क्रूजर बाइक यूज करते हैं। अच्छा, तो ये खुद बैठ जाइए, गर्लफ्रेंड बैठ जाए पीछे, या जय और वीरू बैठ जाए, वो लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, और यहाँ से आप 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर है, तो ड्राई स्टेट से आप वाटर स्टेट में जाना चाहते हैं, आप पटना से रांची जाना चाहते हैं, बहुत सही है उसके लिए, पटना से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं, पटना से बनारस जाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट है। अच्छा, आपको नेविगेशन सिस्टम भी अभी, अच्छा क्या होता है नेविगेशन? आपको जैसे आप फोन से रॉयल एनफील्ड के ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको डायरेक्शन शो करेगा इसमें, छोटे वाले में। अच्छा अच्छा, ट्रिपर कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा। और बाकी इसमें ये डिजिटल ऐड किया गया है, आपको क्लासिक में जैसे पहले नहीं आता था डिजिटल, अब इसमें आपको डिजिटल ऐड हो गया है। ये आपको इसमें गियर शिफ्टिंग भी शो करेगा। अच्छा, ट्रिप मीटर हो गया, ये आपको चेंज हो रहा है ट्रिप मीटर यहाँ पे, फ्यूल इंडिकेशन हो गया ये लाइनिंग। तो इसको आप कहते हैं क्या कहते हैं, नेविगेटर? इसको सर ये ट्रिपर कहते हैं। अच्छा, जो आपको नेविगेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, नेविगेशन के लिए। आप रॉयल एनफील्ड के ऐप से कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें आपको डायरेक्शन शो करेगा। देखिए कितने स्मार्ट हो गए हम। जब मैं अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे घूम रहा था AN-17 के फ्लाइट से, तो पायलट के अलावा एक नेविगेटर होता है जो पायलट को अपने केबिन से बताता है रास्ता कि ऐसे आप हवाई जहाज को उड़ा के चले। लेकिन अब स्मार्ट सिस्टम आ गया, करीब करीब भारत में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, बाइक हो या कार, सब में नेविगेटर सिस्टम जरूर आ रहा है। नेविगेशन सही है कि आप बार बार अगर फोन में एक बार सेट कर लेते हैं नेविगेशन, तो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, आपको बार बार फोन जस्ट लाइक अ गूगल मैप। हाँ, बिल्ट विद गूगल आल्सो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये गूगल से लिंक्ड है। हाँ, देखिए सर, यहाँ आप जब इसको ऑन कीजिएगा तो यहाँ शो करेगा बिल्ट विद। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या सिम बिल्ट विद गूगल? तो इसमें क्या कोई सिम लगा हुआ है इस तरह? नहीं सर, आप फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। अच्छा अच्छा, वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर लीजिए, ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर लीजिए। और आप ये देखिए इसके कलर्स कितने आते हैं सर? इसमें मेट्योर में 3 वेरिएंट आते हैं। अच्छा, ये सबसे टॉप मॉडल सुपरनोवा है सर। अच्छा, इसमें 2 कलर आते हैं। अच्छा, ये ब्लू और एक ब्राउन, ये डबल टोन कलर है, ब्लू और ब्राउन। ये टॉप मोस्ट है। हाँ, टॉप मोस्ट मेट्योर का। इसकी क्या कीमत पड़ती है सर? ऑन रोड विथ एक्सटेंडेड वारंटी और RSE ये 2,28,527। यानी 2,28,000 की ये मोटरसाइकिल है और ये टॉप मोस्ट मॉडल है। और इसके अलावा इसके 2 और मॉडल्स हैं। हाँ, इसके बाद एक आता है स्टेलर। अच्छा, और एक आता है फायरबॉल। अच्छा, फायरबॉल। क्या अंतर होता है ये जो अपग्रेडेशन है मॉडल्स? कलर का हल्का चेंजेस है और आपको बैकरेस्ट नहीं आता फायरवॉल में। अच्छा, विंडशील्ड नहीं रहता है। अच्छा, अच्छा, और आपको स्टेलर में आपको बैकरेस्ट ऐड रहता है। अच्छा, सिंगल टोन कलर रहता है। अच्छा, और आपको सुपरनोवा में बैकरेस्ट, विंडशील्ड, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील। अच्छा, और डबल टोन कलर आपको। सो ये है। और आप अंदर चलते हैं, और भी आपके पास लगी हुई है बुलेट्स? तो ये बता रहे थे कि ये बड़ा डायनेमिक कलर है। हाँ, ये आपको सर ये दिसंबर में लॉन्च हुआ है ये कलर। अच्छा, और ये कलर ऑरेंज एम्बर। ऑरेंज एम्बर? एम्बर। हाँ, अच्छा, ऑरेंज एम्बर बोलते हैं। हाँ, इसको सर। इसमें डबल कलर होता है, डबल ब्लैक एंड अच्छा ऑरेंज। अच्छा, इसमें इसके अलावा भी ऑरेंज के अलावा भी है कुछ? एक येलो कुछ नहीं सर, ये सिंगल अपना सिंगल कलर है। इसकी क्या कीमत पड़ जाती है ऑन रोड सर? इसका 2,22,000 की गाड़ी है ये। सो आपके घरों में बच्चे जो हैं वो अब क्लास 12th पास करने वाले हैं, क्लास 12th पास करते ही उनको चाहिए बुलेट है। मोटरसाइकिल का तो डिमांड करेंगे वो, अब वो कौन सी मोटरसाइकिल का डिमांड करेंगे वो उनका चॉइस है। लेकिन जिनका फिजिकली जो फिट होते हैं या जो अपने आप को मर्द थोड़ा सा फीलिंग होता है जिसमें, हाँ, दे गो फॉर अ बुलेट ओनली। हाँ, क्या मदन जी आप बताइए, आप तो बुलेट
देखिए पहले जमाने में जो है वो पहले जमाने में क्या, अब भी जो भी गाड़ी रखता है उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती मिस्त्री से होती है। जी जी है जी। और मिस्त्री गाइड करता है कि बुलेट को ऐसा बना दीजिए, वैसा बना दीजिए, ये सही कर बात, दीजिए। सही बात। पहले रिम्स के निकिल होते थे लोधीपुर में और बाकरगंज में जी जी। और वो चिड़ियाडाल पुल के पास पुल और बनारस में भी होता था सर। हाँ बनारस में भी होता बनारस में था। देखिए पटना की खासियत यह है कि पटना में जब टमटम चलता था तब भी लोग टमटम के शौकीन थे। पटना सिटी से दानापुर तक के लिए टमटम जो था गोप टाइप के लोग, मींस कि आप पीपल हु फील पावरफुल दे यूज टू हैव अ टांगास, जिसको टमटम हम लोग बोलते हैं पटना में, टमटम चला करते थे और पटना सिटी से चलता था और दानापुर बीच में। पटना में कई जगह टमटम पड़ाव थे, जैसे आपको पिरभौर थाना के सामने आप जो देख रहे हैं जहाँ पे फल वगैरह की दुकान है और वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है जहाँ पे लोग चाय वाय पीते हैं कब्रिस्तान के बगल में। एक गांधी मैदान में जहाँ पे आप कृष्ण मेमोरियल हॉल देखते हैं उसके ठीक बगल में आपको टमटम पड़ाव दिखता है। एक जब आप रेलवे जाते हैं तो रेलवे का जीआरपी थाने के पास था, वो तो रेलवे ने हटा दिया है मगर चूँकि टमटम कम हो गए हैं इसलिए। लेकिन ये बुलेट के जो शौकीन लोग हैं, बुलेट के जो शौकीन लोग हैं वो बुलेट को बड़ा मेंटेन करना, चमका के रखना चाहते हैं दुल्हन की तरह। हाँ सर, वो निखिल पॉलिश होता है वो जो चैम्बर में मार देने से चमचम करता है सर। अच्छा, अभी हमारे पास निखिल पाउडर है सर, अभी हैंडल उंडल में मारते हैं सर चमचम करता है सर, रिम वगैरह में मार देते हैं चमचम करता है। अच्छा, अब तो ये पेंट्स का जमाना है। हाँ तो सर, उसके लिए पॉलिश आता है सर। पॉलिश आता है जी, पॉलिश आता है। अच्छा एक चीज और बताइए सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था ये जो चक्के होते हैं। हाँ सर, अलॉय व्हील कहते हैं इसको, अलॉय ए ओ ए डबल एल ओ ए एस होता है। हाँ, अलॉय व्हील। अलॉय व्हील की क्या खासियत है सर? ये ट्यूबलेस टायर हो जाता है आपको। अच्छा हाँ, तो स्कोप वाले में जो जो पुराने जो स्कोप वाले हैं उसमें ट्यूबलेस नहीं सर, वो ट्यूबलेस नहीं लग सकता है। आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप ट्यूबलेस करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ट्यूबलेस करवा। उसके लिए रिम भी कंपनी से करती है अलॉय व्हील वाली जो आपको वहाँ ले। अच्छा, बुलेट कस्टमाइज भी बनाती है ना? जब मान लीजिए कोई कस्टमर डिजाइन करके बताता अच्छा। है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। मैंने कई बुलेट्स देखे हैं जिसमें सिर्फ एक सीट है, वो आप इसको भी कर सकते हैं सर, पीछे से खुल जाता है। क्यों हटा देते हैं लोग सर? सिंगल सिंगल पर्सन आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं बैठा। हाँ, हाँ सर। अच्छा, वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के क्या थे वो सारथी थे। तो वो अर्जुन जो है वो चाहता है कि मैं सारथी भी रहूं और अर्जुन भी रहूं। हैं, तो ऐसे लोग भी हैं बुलेट चलाने वाले जो पीछे किसी को बैठाना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना लोग कंधे में हाथ नहीं देना चाहते हैं, कोई किसी के अपने कंधे पे किसी का हाथ नहीं आता। और बताइए आप इसकी खासियत बताइए, ये कौन सा बुलेट है आपके ठीक पीछे? ऐश कलर से। अच्छा अच्छा, अभी आपके पास कोई 350 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं है अभी? नहीं सर, अभी अवेलेबल नहीं है। कोविड के चलते अवेलेबल नहीं है या अभी आपने डिमांड उसकी कम है? उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है और सर उसका बुकिंग रहता है तो वो 3 मंथ वेटिंग है, तो जिनका पहले आता है तो वो डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इस कारण से अभी है नहीं। अच्छा, तो जो ऊपर के मॉडल्स की गाड़ियां हैं जैसे 600 सीसी आप बता रहे हैं और कितनी 411 सीसी हिमालयन, 411 सीसी हिमालयन है, ये गाड़ी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग कम है। वेटिंग पीरियड इसका। अच्छा, वेटिंग पीरियड है इसका।